हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। मैं आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जनरली देखने को मिला है कि बहुत सारे छात्र अपने बीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस पर जोर नहीं देते हैं, जिसके कारण उनको एग्जामिनेशन के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि आप कोई भी क्वेश्चन देखे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, पढ़ा हुआ है लेकिन कौन सा आंसर होगा इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जिसको लगे कि कभी हम बनाए हुए थे लेकिन बिल्कुल भूल चुके हैं, कुछ क्वेश्चन अचानक से नया आपको मिल जाएगा। और ये सब किसके कारण होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन को, इसलिए हम लोग एग्जामिनेशन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए हम लोग आप लोग के लिए एक एमसीक्यू बैच लेके आए हैं। इस एमसीक्यू बैच के तहत जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। खासकर टॉपिक वाइज, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स है उसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। उसी प्रकार से अगर बायो आ जाते हैं, फिजिक्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री आ जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी आ जाते हैं, अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो टोटल जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप क्या कर सके, अभ्यास कर सके। अब आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है तो इस बैच को ज्वाइन क्यों करें? तो देखिए, टीचर के साथ डिस्कस करने में एक फायदा क्या होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन आने का संभावना है तो वो सब भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप खुद से सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या होगा, किसी खास क्वेश्चन का एक ही आंसर आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड और कौन क्वेश्चन बन सकता है या कोई क्वेश्चन आ सकता है ये आप अभी जो भी अनुभव की कमी है तो आप उतना अभी नहीं जान सकते। हम लोग क्या है, चूंकि वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस भी है, दूसरा हम लोग भी प्रैक्टिस पेपर देखते रहते थे, इससे एक अनुभव रहता है कि आगे ये प्रश्न बन सकता है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ सकता है वो भी हम लोग क्या करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा वह क्या हो, लाभप्रद सिद्ध हो। साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि बताना चाहिए तो उस क्वेश्चन से संबंधित उस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, बतला देंगे, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्या हो सके, क्लियर हो सके और एग्जाम में किसी भी तरीके से आपका लूप होल ना छूटे। इस बैच के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसका फी रखा गया, इस पूरे कंप्लीट कोर्स का जो फी रखा गया मात्र 500 रुपए है, 500। इस 500 में हम लोग क्या करेंगे, लगभग हमारी जो प्रयास है कि 10,000 से ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ट्रिवियल क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, उससे दिल को सिर्फ सुकून मिलेगा, एग्जाम नहीं निकलने वाला। यहाँ पे 10,000 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिससे एक कहीं ना कहीं एक सॉलिड बेस बन जाता है, जिससे लगता है कि भाई हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अगर आप बुक खरीदने जाते हैं तो आपको 500 से ज्यादा में ही बुक आता है, लेकिन इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप घर पे भी बाद में इसको सॉल्व कर सके। तो एक बेहतरीन मौका है इस कोर्स के साथ जुड़ने का। इसका जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यह क्लास स्टार्ट होगी, तो ऑनलाइन का आपको जो लिंक है इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा, तो आप जरूर इस बैच से जुड़े और मेरी गारंटी है कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 500 पॉकेट खर्च से भी कम है, अगर आप मूवी देखने जाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं तो 500 यूं ही खर्च हो जाता है, लेकिन इस 500 में 10,000 से 15,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप एक बार SDM बन जाइए, एक बार एक अच्छे पद पे आ जाइए तो ये 500 कितना आप कमा लीजिएगा, कितना अर्न कर लीजिएगा। और मेरी कामना है कि आप अधिकारी बने, एक अच्छे पद पे जाए और बहुत अच्छा करें लाइफ में। और ये ना केवल आपको बीपीएससी के लिए लाभप्रद होगा बल्कि आप अदर एग्जामिनेशन भी देते हैं, चाहे वो टीचर वाला हो या सिविल्स की तैयारी कर रहे हो या SSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यह लाभप्रद सिद्ध होगा। तो इस बैच में जरूर जुड़े और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जल्द से जल्द हम लोग मिलते हैं इस बैच कोर्स में आप लोग के साथ। थैंक यू।